नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो सीटेट 2019 के लिए जो 7 जुलाई सन 2019 को पेपर होने वाला है और जो अदर स्टेट के जो पेपर होने वाले हैं उसमें हम आपको जो CDP का सेक्शन होता है यानी पेडागोगी का उसमें आप कैसे तैयार करें। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाएँ सन 2011 से सन 2018 तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, और इसमें मतलब थोड़े ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और कई टाइम्स क्या है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकें। तो बिल्कुल ये एक तरीके का क्रैश कोर्स है, बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा इसमें सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीटेट के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप इसको बस ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो बायगोस्की हैं उन्होंने क्या बताया था। तो जो हमारे बायगोस्की थे उन्होंने ये बताया था कि सहसंयोग समस्या समाधान, ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि समय समय पे कोई भी बालक या कोई भी पर्सन सीखता है या उसकी जो समस्या का समाधान होता है वो होता है किस लेवल पे, कि मतलब कोई सहयोग करेगा और सहयोग से क्या है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है इसकी जो समस्या या इसकी जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो समस्या समाधान से इसकी ये जो असुविधा है ये दूर हो जाती है। तो पहले वाले का जो आपको आंसर मिला है ये क्या है कि बायगोस्की ने क्या बताया था, बताया था सहसंयोग समस्या समाधान। इसमें बालक अपने समाज में रहेगा और उससे सहयोग लेगा और उसकी उसे जो भी असुविधा हो रही होगी वो धीरे धीरे क्या है दूर हो जाएगी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है रूपीम। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा रूपीम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो होती है रूपीम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर हमें निकालनी हो मेंटल एज यानी मानसिक आयु तो हम कैसे निकालेंगे। बुद्धिलब्धि अगर हमें निकालनी हो तो हम उसके लिए बुद्धिलब्धि निकालने का IQ निकालने का जो फॉर्मूला जो सूत्र होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और अपान में हम क्या रखते हैं, अपान में हम लोग रखते हैं 100। तो इससे हम यानी कि मेंटल एज यानी जो मानसिक आयु होती है वो हम ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं मतलब जो वास्तविक एज होती है और गुणे में 100। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, निकल के आ जाती है कि कितनी अभी क्या है एज है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आप कर लेंगे क्या सॉल्व। तो अगर आता है कि ये किसी की क्या है IQ 75 दिया है और मानसिक आयु अगर उसकी ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे रख लेंगे उसकी वैल्यू और क्या है गुणे में 100 और वास्तविक जो उसकी एज दी है वो 16 वर्ष। तो इसे कर लेंगे सॉल्व, तो हम लोग इसे क्या है जो क्वेश्चन है उसको हम लगा लेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 वर्ष। तो आपको फार्मूला बता दिया गया है, ये ऑलरेडी आ चुका है, नेक्स्ट टाइम आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है अपसारी चिंतन। तो देखिए जो अपसारी चिंतन होता है ये एक होता है अभिसारी एक होता है अपसारी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपसारी की, ठीक है अपसारी। तो इसमें जो बालक होता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ में बंधा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करता है और बहुत ज़्यादा नई चीज़ें करता है और नई चीज़ें सीखता है। तो उसको हम क्या कहते हैं क्रिएटिविटी। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है अपसारी से संबंधित तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा अभिसारी और एक मिलेगा अपसारी। तो अभिसारी वाला क्या है सही नहीं होता है, तो ये गलत, अपसारी वाला सही होता है। तो अच्छा बालक होता है वो अपसारी होता है, वो अपनी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लगाएंगे अपसारी। अब देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इसमें जो व्यापक शब्द होता है ये कहाँ से लिया गया,
तो आपको बताना है कि जो व्यापक शब्द है सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द जेफी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। किसका है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। तो उन्होंने व्यापक शब्द दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि जो रेविन है, रेविन ने कौन सा सिद्धांत, रेविन का प्रोग्रेसिव मेट्रिसन परीक्षण क्या है, तो इन्होंने बताया था कि संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो जो संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक है ये वाला किसने दिया था? रेविन ने दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि इसके फोल्डिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज इसके फोल्डिंग, तो इसके फोल्डिंग क्या होता है कि जो ये एक सहयोग होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो अगर कोई छोटा सा बालक है वो सीख रहा है या आप सीख रहे हैं तो कोई हमेशा तो सहयोग नहीं करेगा, तो ये अस्थायी सहयोग है, ठीक है। क्या लिखा है? अस्थायी सहयोग। तो इसके फोल्डिंग एक सहयोग होता है, यानी हेल्प होती है एक प्रकार की। अगला क्वेश्चन है जॉन ड्यूवी द्वारा लेब विद्यालय बनाए गए। तो जो जॉन ड्यूवी ने बताए थे विद्यालय, लेब विद्यालय, ये किसका आधार हैं? ये आधार हैं प्रगतिशील विद्यालय का। किसका आधार है? प्रगतिशील विद्यालय का। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के प्राथमिक विद्यालय के। तो देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने, ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी लॉरेंस कोहलबर्ग का कोई भी क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होगा। तो इन्होंने हमें इतना बता दिया था कि जो बालक होते हैं और समाज होता है, तो समाज में बालक कुछ सामाजिक क्रियाकलापों और कुछ समाज के दंड और समाज के भाव के हिसाब से वो कार्य करता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि बालक जो होता है वो समाज के हिसाब से कार्य करता है। तो देखो जब बालक होता है छोटा तो वो कार्य क्यों करेगा? तो लिखा है क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालयों के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया कि जो बालक होता है वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखी का कारण होता है, इसीलिए कार्य करता है। तो कोई छोटा बच्चा होगा, आप कहेंगे ये काम कर दो, आप ये काम कर दो, तो वो दो कारण से करेगा। क्यों? या तो वो नहीं करेगा तो आप उसे डांटे या मारेंगे, या वो छोटे बच्चों की आदत होती है आज्ञा पालन करने की, आप उसे कुछ भी करोगे वो उसको क्या है, उस आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया था? आज्ञा पालन या दंड उन्मुख। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा दी थी वो दी थी जॉन ड्यूवी ने। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये सन 2012 के सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और यदि आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो डालें तो वो वीडियो आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को मिस ना कर दें, कहीं छूट ना जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप के पास से वो जानकारी छूट जाएगी। जो आने वाले समय में हम स्टडी कैसे, हम अच्छी स्टडी करें कम समय में, बहुत ज़्यादा हम कैसे सीखें, और भी स्टडी से संबंधित और भी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे क्या है समय समय पर आपको हमारे अपडेट मिलते रहें। तो क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्षेत्र में जो मानव का विकास होता है धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है, अब उससे संबंधित जो बिंदु यहाँ पे निकल के आते हैं, तो मानव के विकास में शारीरिक होता है और संज्ञानात्मक होता है और संवेगात्मक होता है और सामाजिक। तो ये जो इतने बिंदु हैं ये इससे क्या है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं मानव के विकास से। कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेग मतलब गुस्सा या किसी पे हमें बहुत ज़्यादा क्या है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं निकलते हैं, फिर उसके बाद हमें कंट्रोल नहीं रहता अपने आप पे। सामाजिक मतलब समाज से संबंधित, संज्ञानात्मक मतलब व्यक्ति खुद से संबंधित, और शारीरिक मतलब उसका शरीर। तो ये जो सब हैं ये मानव विकास के क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र हैं? मानव विकास के क्षेत्र हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बाइगोस्ती ने क्या बताया था कि बच्चे सीखते हैं कहाँ सीखते हैं? समाज में या सामाजिक। तो देखिए अगर बाइगोस्ती का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें कुछ भी अपनी ट्रिक आप बना लीजिए। याद रखिए कि देखिए अगर कभी भी आपको बाइगोस्ती का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। पहली बात तो ये समाज ज़रूर मिलेगा कहीं भी बाइगोस्ती दिया है, ठीक है, बाइगोस्ती, ठीक है, कैसे भी याद रखिए आप, तो इसमें आपको समाज करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो 100% समाज वाला सही हुआ। इन्होंने एक्चुअली में इतना बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कुछ रचनात्मक या अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कहाँ सीख सकते हैं? वो सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं समाज में।
तो आप लोगों को क्या है, जो बायोग्राफी वाला मिलेगा उसमें एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा समाज में। तो इसीलिए बच्चे सीखते हैं सबसे अच्छा कहाँ, समाज में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका EBS में भी मिलेगा और सारी पेडागॉजी में मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन मिले कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीख सकता है, बच्चे के सीखने के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो सबसे अच्छा उसका परिवेश यानी उसका सराउंडिंग या उसका वातावरण या उसका समाज है। अगला क्वेश्चन है गॉर्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, जो गॉर्डन ने दिया था, ये अधिगम के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों के लिए दिया गया था। तो गॉर्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अधिगम के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों के बारे में दिया है। अगला है इंद्रिय गामक। अब देखिए जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है ये संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। तो इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, ये जब बच्चा होता है बिल्कुल छोटा, यानी कभी कभी हम बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष तक, कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं 0 से 2 वर्ष तक। तो देखिए 0 नहीं होता है, कभी भी 0 गलत है, वो होता है जन्म से 2 वर्ष तक। क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। तो ये इंद्रिय गामक अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति की जो छोटा बच्चा होता है उसकी इंद्रियों से सीख रहा होता है, जैसे कि अपने वो इंद्रियों में क्या आता है, कुछ सुनेगा तो उधर देखने लगेगा, कहीं पर लाइट दिखेगी वहाँ देखने लगेगा, और जो भी क्या है वो जो भी कुछ खाएगा, कुछ भी लाल रंग देखेगा तो क्या है अट्रैक्शन, मतलब वो अपनी इंद्रियों से काम करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसका दूसरा नाम इंद्रिय गामक अवस्था भी है। क्यों, क्योंकि ये इंद्रियों से काम करता है। इसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण ये बहुत तेज़ी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है तार्किक रूप से चिंतन जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, आपको लर्न रखना है, कब से 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। इसके पहले जो अवस्था आती है वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसके पहले जो अभी बताई थी आपको शैशवकाल या फिर शैशवकाल अवस्था, ये जो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था वो आती है। और सबसे लास्ट वाली कौन सी अवस्था है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अभी आपको बताएंगे, उसका नाम औपचारिक होता है। ठीक है, तो जो 7वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है कब। तो कोई भी छोटा बच्चा होता है वो तार्किक चिंतन कम करेगा, तार्किक मतलब कुछ सोचने विचारने की क्षमता आ जाएगी उसमें। तो कब आएगी, ये आएगी छोटा बच्चा होगा कभी नहीं आ पाएगी, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आती है। तो बड़ा बच्चा कब होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उम्र वो होती है जब बच्चा 12 वर्ष से ऊपर का होता है। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएँ दी थी, कौन कौन सी, 4, वो चारों आपको अभी मिलेंगी दोबारा। तो अभी तक याद रखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 4थी वाली लास्ट वाली है और 12 वर्ष से ऊपर वाली है। अब देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर दिया है, सबसे ऊपर जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष में बच्चा सीखता है वस्तु का स्थायित्व, यानी कोई वस्तु है उसको पकड़ लेगा फिर उसको हाथ में अपने रखा रहेगा, इसे बोलते हैं वस्तु का स्थायित्व। और इसका दूसरा नाम होता है संवेदी प्रेरक अवस्था या शैशवकाल, क्योंकि शैशवकाल ये बिल्कुल छोटा बच्चा होता है। तो उसके 2 नाम आपको पता चले कौन कौन से, संवेदी प्रेरक अवस्था और शैशवकाल। ये हो गया जन्म से 2 वर्ष। अब आते हैं हम 2 से 7 वर्ष, तो ये लिखा 2 से 7 वर्ष। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो जाता है वो अवस्था का नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, बच्चा सीखता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार, यानी अगर कुछ उसका हल्का सा लक्ष्य होता है, बच्चा जो है कि एक से दूसरी जगह जाने लगता है तो वहाँ उसका जाने का मन करता है। क्वेश्चन आएगा कि संवेदी प्रेरक अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, तो आपको बतानी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, अब आपने पढ़ा कि जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, अब अगला क्वेश्चन है 7 से 11 वर्ष। और 7 से 11 वर्ष में क्वेश्चन जो अवस्था होती है उसका नाम होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो अभी हमने आपको 3 क्वेश्चन पहले बताया था। अब जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। तो 11 वर्ष के पहले बच्चा क्या क्या करता है, इसको एक नाम दिया जाता है मध्य बचपन का समय, ठीक है, मध्य बचपन का समय। और वस्तुओं, जो वस्तुएँ होती हैं उसके बारे में अपनी धारणाओं और चिंताओं के बारे में मंथन करता है इस उम्र में।
और सबसे लास्ट में अभी आपको बताई गई थी चौथी वाली कौन सी बताई गई थी, औपचारिक संकीर्णात्मक अवस्था। चौथी वाली होती है वो 12 वर्ष से ऊपर होती है, औपचारिक संकीर्णात्मक अवस्था होता है। यह क्वेश्चन आएगा अमूर्त चिंतन बच्चा किस अवस्था में करता है, क्या कहेगा अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन करता है औपचारिक संकीर्णात्मक अवस्था में यानी चौथी अवस्था में इस वाली। यह क्वेश्चन आएगा वर्गीकरण किस अवस्था में होता है, तो वर्गीकरण भी औपचारिक संकीर्णात्मक अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था पियाजे ने। पियाजे ने बताया था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ के अनुसार क्या सृजन करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि अफेजिया क्या है, ठीक है, अफेजिया, तो अफेजिया होती है मौखिक सीखने में, अगर कोई बच्चा मौखिक नहीं सीख पा रहा तो उसको हम कहेंगे अफेजिया। अगर कोई बच्चा लिखने में कोई दिक्कत कर रहा है, ठीक है, लेखन में त्रुटियां हैं, तो उसको कहेंगे डिसग्राफिया, क्या कहेंगे डिसग्राफिया। अगर कोई बच्चा पढ़ने में या फिर वाचन में त्रुटि कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। और गणित संबंधी त्रुटि करते हैं तो गणित में कैलकुलेटर आता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे डिसकैलकुलिया, क्या कहेंगे डिसकैलकुलिया। अगर अभी मैंने जो आपको बताई हैं ये तीन, गणित की त्रुटि, पढ़न और लेखन, अगर ये तीनों को मिला के अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रेक्सिया, क्या बोलते हैं डिसप्रेक्सिया। अगर क्वेश्चन आता है कि गतिक संबंधित कौन सी त्रुटि है, तो बिल्कुल आप बताइए, 5 सेकंड का समय है। अगर किसी बच्चे में गतिक से संबंधित त्रुटि है तो आंसर क्या होगा, आंसर है डिसप्रेक्सिया, ये भी एग्जाम में आ चुका है सीटेट में, तो गतिक को हम क्या कहते हैं डिसप्रेक्सिया। अगर भाषा या संप्रेषण संबंधी कम्युनिकेशन संबंधी जो त्रुटि है उसको डिस्फेजिया कहते हैं, या अंक अविकसित का भ्रम है उसे तो डिसमॉर्फिया, ठीक है, डिसमॉर्फिया। तो अभी जितनी भी त्रुटियां बताई गई हैं इसमें से आपको सीटेट में 2 त्रुटियां जरूर मिलने की संभावना है, पूरे 150 अंकों में से 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, सीखने के अंतःदृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, ये गेस्टाल्टवाद ने दिया था कि बच्चा जो है वो अंदर से ही सीखता है, तो गेस्टाल्टवाद। अगला क्वेश्चन है बौद्ध विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है, तो 4 अवस्थाएं किसने दी बौद्ध विकास की, ये दी थी पियाजे ने, किसने, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, जो भी आपको इसके लास्ट में जिस्टी बताई गई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो ऑलरेडी देखा जाए तो नियर अबाउट 18 मिनट 19 मिनट का हो चुका है, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और हम आपको 2-3 मिनट का और बना दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यदि आप सीटेट के नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में या कुछ और, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप इस पर लिख के भेज दीजिए, सीटेट नोट्स हम आपको भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8726505100। ये जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री रहेंगे, इसके लिए कोई भी पैसा, कोई भी रुपए चार्ज हम नहीं करते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर है 8726505100, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई नोट्स वगैरह सीटेट से जो भी आप चाहते हैं वो सारा आपको मिल जाएगा नोट्स वगैरह, और नेक्स्ट टाइम वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास होता है इसके मूल कारण कौन कौन से हैं, तो उनके जो मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रियाएं हैं। कौन कौन से, सामाजिक अन्योन क्रियाएं, यानी समाज में जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए। अब देखिए सामाजिक सक्षण या अभी आपको बताया गया था कि अमेरिका में रहने वाला कौन सा वैज्ञानिक था, कोहलबर्ग, ठीक है, तो कोहलबर्ग ने क्या बताया था कि बच्चा जो है वो समाज के अनुसार कार्य करता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है जैसे आजकल देखा जाए तो समाज में लोग जो शादी विवाह में इतना पैसा खर्च करते हैं पैसा, ठीक है, तो वो पैसा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है खर्च करना, वो क्यों खर्च करते हैं, क्योंकि समाज में उनको अपनी क्या है पोजीशन बनानी है, वो समाज के डर से खर्च करते हैं, वरना क्या हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन है सामाजिक सक्षम अनुकूलन, ठीक है, तो सामाजिक सक्षम जो अनुकूलन है ये किसने दिया था, इसका मतलब समझिए सेंटेंस का,
कि जो समाज में सकुचन है, समाज के डर से बच्चा क्या सकुच जाता है, परिवार सकुच जाते हैं, उसमें क्या बदलाव कर लेते हैं, अनुकूलन यानी चेंज या बदलाव कर लेते हैं। तो किसने बताया था? ये कोहलबर्ग ने बताया था। तो अगर समाज के डर से कोई बदलाव या समाज के डर से कोई अनुकूलन होता है तो कोहलबर्ग ने बताया था। अगर क्वेश्चन आता है कि बच्चा समाज में सबसे अच्छा सीखता है, ये किसने दिया था? ये जीन, ये जो दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है। तो अधिगम के लिए पियाजे के अनुसार क्या आवश्यक है? आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, यानी बच्चा खुद जहाँ पे क्या है अधिगम हो रहा हो उस जगह चला जाए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए समावेशन क्या होता है और समायोजन क्या होता है। तो बात करते हैं समायोजन की। तो समायोजन वो होता है कि पुरानी जानकारी में जो चेंज करके कोई चेंज कर दिया जाए, तो पुरानी जानकारी में चेंज किया जाएगा उसको कहते हैं समायोजन, और अगर नई जानकारी में कोई चेंज कर दिया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? समावेशन। तो समायोजन समावेशन आप जान चुके हैं। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वह बुद्धि क्रिया को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यानी इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने ये बताया था कि बच्चों को क्या अलग अलग तरीके से बताओ, यानी कि मैथ अगर नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है तो उसको चार तरीके से पढ़ाओ, बच्चा किसी न किसी तरीके से सीख लेगा। 5 साल की लड़की जो कपड़े है वो अपने तह कर कपड़े रखती है, ठीक है, प्रश्न लगाने के बाद कपड़ों को तह कर रखती है और साथ में बातचीत करती है स्वयं से। तो इसके बारे में जीन पियाजे ने कहा था कि उसकी अहम केंद्रित भाषा है। क्या कहा था? अहम केंद्रित भाषा है। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? इन्होंने कह दिया था कि ये उसकी निजी भाषा है जो उसको अपने कार्य करवाने में मदद करती है। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं, ये इसके आगे हम आपको संदोजा 16, संदोजा 17, 18 ये हम आपको नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी एक टेबल दी हुई है, तो हम आपको इसको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो समय होता है वो जाता है आपके लिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।